अपने घर में कुछ ऐसे गमले रखे जिसमें अलग अलग प्रकृति के फूल रखे, कितना सुंदर नजारा है। विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्या सखा। अपने आप को हम गिरने ना दें, अपने आप को उभारें। और ऐसे ओंकार और गायत्री के ध्यान के द्वारा और त्राटक के द्वारा, मैं कह रहा था त्राटक भी, ये भी बड़ा जबरदस्त होता है अपने आप को उभारने के लिए। हम अपने आई लेवल के ऊपर ऐसे ये जो त्राटक होता है उसको भी कर लिया ओंकार और गायत्री के ध्यान में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम जब एकाग्र चित्त होकर टकटकी लगा के पहले आंखों को ऐसे थोड़ा घुमा लें दाई ओर से ऊपर की ओर, फिर बाई ओर, फिर नीचे की ओर, ऐसे 5-7 बार दाई ओर से बाई ओर, फिर बाई ओर से दाई ओर आंखों को घुमाया और फिर आंखों को खोल करके टकटकी लगा करके ऐसे देखें। दृष्टा भाव से कह रहा था विपश्यना ध्यान कहो, प्रेक्षा ध्यान कहो, ध्यान योग कहो, ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, प्रतिप्रसन्न योग, इन सबका सार एक है। एकाग्रता से योग शुरू होता है, योग अशित वृत्ति निरोध है, तदा दृष्टि स्वरूपी अवस्था है, वृत्ति सारूप्य मित्र, अभ्यास वैराग्य अभ्याम का निरोध, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्र निरुद्धम इति चित्त होता है। चित्त की 5 अवस्था है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था में योग निरोध, एकाग्र अवस्था से योग और एकाग्र होकर के जैसे मंद मंद घंटों की आवाज, घंटियों की आवाज आ रही है, चारों तरफ से प्रकृति का कलरव है और यात्मदा बलदा यस्य विश्ववासते समय सके, चारों प्रकृति हमें आशीष दे रही है, भगवान हमें आशीष दे रहे हैं, हमें अपने आप पर, खुद पर, खुदा पर, परमात्मा पर और अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए और कर्म फल मिलेगा, हमारा जो हिस्सा है वो कोई चुरा नहीं सकता। ऐसे टकटकी लगा करके त्राटक करें और लगातार 1 से लेकर के 5 मिनट तक ऐसे त्राटक करने के बाद जो ये बाहर दीपक दिख रहा है इसी लोग को अपने भीतर देखें, इसी को हमारे यहाँ पर आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति का है। बाहर ऐसे टकटकी लगा करके देखते तो मन शांत हो जाता है, अपने भीतर धैर्य बढ़ता है और तमाम तरह के उद्वेगों में, झंझावातों में, आंधी तूफानों में और जीवन के अलग अलग प्रकार के संघर्षों में हम सम रहने का सामर्थ्य अर्जित कर लेते। समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकौशलम अयम तो परम धर्म यत योगे रात्म दर्शन। और ऐसे त्राटक करने के बाद फिर थोड़ी देर आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करके मन ही मन ओ सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओंकारार्थ रक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण सौम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्त्यवाप्ति हिंसा आलिंगन दान भाग वृद्धिश। ऐसे ओम के अनंत गुण कर्म स्वभाव अनंत अर्थ है, वह अनंत ज्योति, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य का आधार, सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वशक्ति मानुष भगवान के साथ ऐसे ओंकार के साथ एकाकार होकर के आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में खो जाना और इसे एक ही ज्योति से एक नूर दे सब जग उपजा कौन भले को मंदे। स्वामी जी नाम जपो किरत करो बड़के छको, ये सिद्धांत है साधना के। मन तो ये कर रहा है कि आपको यूं ही सुनते रहे लेकिन समय ऐसे ओंकार और गायत्री का ध्यान करने से समय का चक्र इशारा कर रहा है और आपने जो कुछ बताया उसका पैगाम यही है स्वामी जी कि कई बार लोग बीमारियों से थक जाते हैं, किसी एक छोटी सी हार से खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं,
लेकिन हौसला ही एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे हम जिंदगी को जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी की मौत की चाहत की कोई एक वजह तो हो सकती है, लेकिन जिंदगी जीने के हजार बहाने हैं। उन तमाम बहानों के बारे में आपने बताया। तो स्वामी जी आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी समाधान है। नहीं है, जिंदगी को जीने पड़ेगा, मरने के बाद फिर आना पड़ेगा। इसलिए बस एक छोटा सा संदेश स्वामी जी, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, जिंदगी का ही वर्णन करें और रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। मैंने देखा, आपने देखा, यही जीवन की हकीकत है।